हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखो, हमारे नेट के एग्ज़ाम में एक टोटल 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर में, जिसमें से एक यूनिट है कॉम्प्रेंशन की या अध्ययन बोर्ड की। ठीक है, एक ये वो यूनिट है जहाँ से आप बिना पढ़े हुए थोड़ा सा दिमाग लगा के यदि क्वेश्चन को करो तो बिना पढ़े हुए 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकते हो। दूसरी बात कहूँ, यहाँ पर फिक्स है 10 नंबर का मटेरियल आता है उसमें, वो कभी 8 नंबर भी नहीं कर सकता, कभी 12 नंबर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल फिक्स लिमिटेड कंटेंट है, 10 नंबर का आएगा। मात्र 7 से 8 मिनट खर्च करके आप 10 में से 10 मार्क्स लेके आ सकते हो। और ये ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपका स्कोर करवाता है। ठीक है, यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपका स्कोर करवाता है। तो हम सबके साथ समस्या होती है क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन सही होते हैं और यहाँ पर लोगों के 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और जिनके यहाँ पर 5 में से 5 सही होते हैं उनका मोस्टली का जेआरएफ हो जाता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, टाइम भी हमारे 10-12 मिनट लग जाते हैं और फिर भी हमारा गलत हो जाता है। तो मैं आज आपको आपके साथ एक मेथड शेयर करूँगा कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करें जिससे कि टाइम भी कम लगे और यहाँ पर आप 5 के 5 क्वेश्चन भी सही कर पाएँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप किसी भी YouTube चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हो इसको सोल्व करने का, यदि वो वीडियो 1 साल से ज़्यादा टाइम पुराना है तो आप उस वीडियो को मत देखो, क्योंकि पहले पेपर ऑफलाइन होता था, अब पेपर ऑनलाइन होता है। जब ऑफलाइन पेपर होता था, पेपर हमारे हाथ में रहता था, क्वेश्चन हमारे उसके जस्ट नीचे लिखे होते थे, हम क्वेश्चन को भी एक साथ देख सकते थे, पैसेज को भी एक साथ देख सकते थे, हम उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब हमारे साथ ऐसा नहीं है। अब क्या है, पैसेज को पढ़ो, फिर एरो से ऊपर करो, फिर किसको देखो, क्वेश्चनों को देखो। बहुत सारी बार एरो को इस तरीके से भी चलाना पड़ जाता है, पैसेज को कई बार इस ऐसे भी चलाना पड़ जाता है, ऐसे भी चलाना पड़ता है। ठीक है, तो ऑफलाइन पेपर में पैसेज और क्वेश्चन सभी एक साथ होते थे, लेकिन ऑनलाइन पेपर में कभी ऐसा नहीं होता। तो यदि आप ऑफलाइन पेपर के मेथड को फॉलो करते हो यहाँ पर, तो आप 100% 1 या 2 क्वेश्चन ही सही कर पाएंगे। और यदि आप ऑनलाइन मेथड को फॉलो करते हो और वो भी एक सही मेथड को, 100% आप यहाँ पर पूरा 5 के 5 क्वेश्चन सही आसानी के साथ कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको देखो जो मैं बताता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, दिसंबर तक मैंने जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था, दिसंबर 2019 तक। अब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा ऑलरेडी जेआरएफ हो चुका है। देखो, मैं आपको यहाँ एक कुछ रूल्स बताता हूँ। मैंने 4 बार एग्ज़ाम दिया था, चारों की चारों बार मैं वैसे ऑलरेडी मैंने एक बार भी फेल नहीं हुआ या इस एग्ज़ाम में, लेकिन मैं तरीका बताता हूँ कि हमें एग्ज़ाम को जब कॉन्फ्रेंसन या अध्ययन बोर्ड का हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो उस टाइम हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक है, वो सावधानी क्या है, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग को स्थिर करो। क्या करो, सबसे पहले आप अपने दिमाग को स्थिर करो, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको एक पेज का पैसेज पढ़ना होता है। ठीक है, एक पेज के पैसेज को पढ़ना होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो भी थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, समथिंग एक पेज का तो पैसेज आता ही है, तो उस एक पेज के पैसेज को पढ़ना होता है और उसको याद रखना होता है। यदि आपका दिमाग स्थिर नहीं है तो आप उसको सही ढंग से याद नहीं कर पाओगे, उस पैसेज को सही ढंग से समझ नहीं पाओगे। फिर आपके साथ होगा क्या, आपने स्टार्ट यहाँ से किया पैसेज पढ़ना, आपका दिमाग स्थिर नहीं है उस कंडीशन में बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, जब आप यहाँ तक पहुँचोगे, पैसेज के मिडिल भाग में पहुँचोगे, ऊपर का दिमाग से गायब हो जाएगा। ठीक है, दूसरी, पैसेज को पढ़ते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी है, पैसेज को पढ़ते टाइम जल्दबाजी नहीं करनी है, तो ज़्यादा धीरे भी नहीं पढ़ना है। पैसेज को पढ़ते टाइम आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है कि आप बहुत हड़बड़ाहट में पढ़ रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, कुछ क्यों शब्दों को छोड़ रहे हो, उन शब्दों का मतलब नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पैसेज को धीरे पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा धीरे भी नहीं पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है जहाँ पर आपको समझ में आ जाए वो। ठीक है, तीसरी, हड़बड़ाहट मत करना, आपको हड़बड़ाहट में नहीं करना है, कभी आप ऊपर की लाइन पढ़ रहे हो, कभी एक बीच में शब्द छोड़ दिए, फिर उससे अगले वाला शब्द पढ़ रहे हो। देखो, हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, जो का, के, की, सी, ये जो शब्द होते हैं ना, से, ये शब्द होते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, और ये शब्द होते हैं जैसे का है, के है, की है, से है, था है, अथवा है, और है, तो ये शब्द क्या है, लाइन का मतलब बदल देते हैं।
और हड़बड़ाहट में उन शब्दों को छोड़ देते हैं हम, तो हड़बड़ाहट नहीं करना है आपको। और यदि आप जल्दबाजी में पैसेज को पढ़ोगे, हड़बड़ाहट के साथ पैसेज को पढ़ोगे, 100% आपको पैसेज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और जब फिर आप पैसेज को दोबारा पढ़ोगे, आपका 5-7 मिनट जा चुका होगा, ठीक है। तो हमें पैसेज को जल्दबाजी के साथ नहीं पढ़ना है, हड़बड़ाहट के साथ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल दिमाग को स्थिर करके और फिर पढ़ना है। चौथा पॉइंट, मैं मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट बताता हूँ आपको, बीच में टाइम नहीं देखना है, ठीक है। हमारा क्या होता है, हम पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, एक रियल स्पीड लगा के चलो अपनी, ऐसे नहीं करना कि बहुत तेज भी चल रहे हो बहुत धीरे भी चल रहे हो, ठीक है। हम पेपर को पैसेज को सोल्व कर रहे हैं, हमने जो अपना आधा स्टेप था उसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम टाइम देखते हैं, ओ तेरी पैसेज को पढ़ते हुए मेरे को 4 मिनट हो गई और अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, और जब हमें लगता है कि हमने पैसेज में अभी तक कुछ नहीं किया और हमारी 4 मिनट जा चुकी हैं, तो हमारी क्या होता है, जो पैसेज की स्टोरी थी वो हमारे दिमाग से गायब हो जाती है। रियल स्टोरी है ये, रियल एक्सपेरिमेंट है, मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ था। तो जब हम बीच में टाइम देखते हैं, 3-4 मिनट चली जाती हैं और पैसेज में तब तक हमने कुछ नहीं किया होता है, तो हमारा जब हम टाइम देखते हैं और हमारे दिमाग में सीधी साइकोलॉजी बैठती है कि बेटा 3 मिनट तो गई और अभी तक तूने पैसेज में कुछ भी नहीं किया, अभी तक तूने पूरे पैसेज को भी नहीं पढ़ा, तो हम क्या करते हैं, तुरंत उसके बाद से थोड़ी सी स्पीड तेज कर देते हैं और ऊपर की बातों को भूल जाते हैं, स्टोरी हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखो, पैसेज सोल्व कर रहे हो उस टाइम आप टाइम मत देखो, बिल्कुल भी टाइम मत देखो, एक ही है, थोड़ी सी स्पीड सही रखो, ये कुछ सावधानियां हैं, इनको आपको फॉलो करना है। अब देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, इसके कुछ रूल्स बताता हूँ। देखो पैसेज भी कई बार 2 प्रकार का आ जाता है, एक छोटा सा पैसेज आता है, एक बहुत बड़ा पैसेज आ जाता है। बहुत बड़ा पैसेज कई बार 1.5 पेज का भी पैसेज आ जाता है, कई बार आधा पेज का भी पैसेज आ जाता है, तो वो बड़ा मायना नहीं करता। अब मैं बात बताता हूँ कि आपको पैसेज कैसे सोल्व करना है, बहुत ही शानदार तरीका है, 100% 5 में से 5 क्वेश्चन सही करके आओगी। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, मैंने खुद ने जून वाले दोनों पेपरों में 5 में से 5 क्वेश्चन सही किए थे, ठीक है। मैं उसका आपको एक मेथड बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, पैसेज है आपके पास, ठीक है, एक बार मैं इनको साफ कर देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आप आपके पास ये पैसेज लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे ये क्वेश्चन है, ठीक है, पैसेज लिखा हुआ है आपके पास, नीचे क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ना स्टार्ट करो, क्या करो, इन क्वेश्चनों को पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ी सी स्पीड रखनी है और समझते हुए पढ़ना है। सबसे पहले आप क्वेश्चनों को पढ़ना स्टार्ट करो, साथ ही साथ आप ऑप्शनों को भी पढ़ते जाओ। अब यदि कोई भाई ऐसे सोच रहा है कि मेरी जो याद करने की कैपेसिटी है वो कम है, मैं हर चीज़ को जल्दी भूल जाता हूँ, तो हमें एक पेज मिलता है जब हम सेंटर पर जाते हैं, तो हमें एक खाली पेज मिलता है, उस पेज का यूज करो। यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन ही लिखना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड है वो आप उस पेज पर लिख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर उसका कीवर्ड लिख लिया, फिर क्वेश्चन सेकंड को पढ़ो, फिर उसका कीवर्ड लिख लिया, फिर क्वेश्चन थर्ड को पढ़ो, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड डाल के फिर उसका कीवर्ड लिख लो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, फिर उसका कीवर्ड डाल के फिर वो लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, फिर 5 नंबर डाल के फिर उसका कीवर्ड लिख लो। तो आप छोटे छोटे कीवर्डों में लिखो जिनसे आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इतनी स्पीड से लिखो कि केवल वो आपको समझ में आ जाए, बाकी किसी को ना समझ में, ये ध्यान रखो। साथ ही साथ में आपको ऑप्शन भी पढ़ना है, और ये क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, किसी का मेमोरी वीक है तो उसको, चाहे देखो ये सबसे बेस्ट मेथड है, किसी का मेमोरी वीक हो उसी की नहीं, किसी का स्ट्रॉन्ग है उसी को भी ये तरीका फॉलो करना चाहिए क्वेश्चनों का हिंट लिखने का। और क्वेश्चन नंबर ऐसे डालो, क्वेश्चन नंबर भी डालना, अदरवाइज क्या होता है हम भूल जाते हैं कौन सा क्वेश्चन कौन सा था। पैसे क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट डालो ऐसे, और उसका एक कीवर्ड लिख दो, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कीवर्ड है, उस कीवर्ड को लिख दो। क्वेश्चन सेकंड पढ़ो, सेकंड नंबर डाल के फिर कीवर्ड लिख दो। थर्ड पढ़ो, थर्ड नंबर डाल के फिर कीवर्ड लिख दो। फोर्थ पढ़ो, फोर्थ नंबर डाल के फिर कीवर्ड लिख दो। फिफ्थ पढ़ो, फिफ्थ डाल के पढ़ के फिर कीवर्ड लिख दो, ठीक है। अब हमारे पास 5 शब्दों में 5 क्वेश्चनों का सार हो गया। अब आपको क्या करना है,
क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऑप्शन पढ़ने हैं, और इसमें आपको एक से दो मिनट का टाइम देना है। इस तरीके से पढ़ना है कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में, ऑप्शन पढ़ने में और यहाँ पर लिखने में मात्र एक से और दो मिनट के बीच का टाइम लगे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। एक से दो मिनट में आपको ये सारा रंबाद खत्म करना है। अब आपके पास एक पेज में क्या हो गया, इन पांचों क्वेश्चनों का सार हो गया। आपको ऐसे लग रहा है कि हमें, देखो ऑप्शनों को भी पढ़ना है, ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि हमें ऑप्शनों को भी लिखना चाहिए, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा, यहाँ पर आपने एक कीवर्ड लिख दिया, उसके बाद आप चार ऑप्शनों को लिख दो। या आपको लग रहा है कि मैं इन तीन, दो ऑप्शन तो मेरे ध्यान में रह जाएंगे, दो में मैं कन्फ्यूज रहूँगा, इन दोनों को लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन में भी करो। दूसरे क्वेश्चन का कीवर्ड लिखा, फिर उसके ऑप्शन लिख दिए जिनमें आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये ऑप्शन मेरे को लिखने चाहिए। ऐसे इसमें करो, ऐसे इसमें करो, ऐसे इसमें करो। यहाँ पर क्वेश्चन का सार लिखो, कीवर्ड लिखो क्वेश्चन के, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है क्वेश्चन के वो लिखो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो लिख लो, चाहो चारों चारों लिख लो, चाहो कैसे भी करो। इस कंटेंट को तैयार करने में, क्वेश्चन नंबर लिखने में, क्वेश्चन का कीवर्ड लिखने में, ऑप्शन लिखने में आपको एक से दो मिनट का टाइम देना है। कितना? एक से दो मिनट का टाइम देना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो इस पेज पर आ गए, ठीक है। अब हमें कभी क्वेश्चन पर जाना, कभी पैसेज पर जाना, ये झंझट खत्म हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमें पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करना है। क्या करना है? पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया था, अभी हमने क्वेश्चन भी पढ़े थे, फिर हमने क्या किया था, ऑप्शन भी पढ़ लिया था, फिर उसको हमने लिख लिया था। तो आप क्या करो, पैसेज पढ़ने से पहले जो आपने इस पेज पर लिखा था क्वेश्चन और उनके ऑप्शन, उनको एक सरसरी नज़र से देख लो, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल सरसरी नज़र से देख लो कि वो आपके दिमाग में छप जाए। पांचों के पांचों क्वेश्चन, उनके कीवर्ड और उनके ऑप्शन, उनको एक सरसरी नज़र से देख लो, सटासट 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 सटासट, जिससे वो आपके दिमाग में छप जाए। ये कर लिया, अब आप स्टार्ट करो पैसेज को पढ़ना। और देखो, पैसेज को पढ़ने से पहले जब आप क्वेश्चनों को पढ़ोगे, उसके ऑप्शनों को पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के हैं। देखो, पैसेज में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो लाइन टू लाइन होते हैं, लाइन पकड़ी ऐसे ऐसे मिला दिया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हमने लाइन पकड़ी ऐसे कैसे मिला दिया, मैं सोल्व करवाऊंगा एक पैसेज जिसमें बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, जैसे क्वेश्चन आ गया कि इस गद्यांश का सार क्या है, दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश का निष्कर्ष क्या है, तीसरा इस गद्यांश का सारांश क्या है, चौथा यहाँ पर यह गद्यांश क्या कहना चाहता है, यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है, यहाँ पर वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है, पांचवा यहाँ पर वो व्यक्ति क्या चाहता है। तो यदि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, निष्कर्ष निकालने का, सारांश निकालने का, उद्देश्य जानने का, क्या कहना चाहता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होता है, उस पूरे पैसेज को समझना होता है, ठीक है। इस कंडीशन में हमें उस पूरे पैसेज को समझना होता है, क्योंकि आप जब उद्देश्य बताओगे, सारांश बताओगे, निष्कर्ष बताओगे, तो आप तभी ही बता सकते हो जब आपको वो पैसेज समझ में आया है, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन होता है, बिल्कुल लाइन मिली, उठाया, ऐसे कैसे एजेटिज कर दिया। तो हम जब क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उनके ऑप्शनों को पढ़ेंगे, तो इस बात का हमें पता चल जाएगा। अब आपको लग रहा है कि पेपर में समझने वाले क्वेश्चन है या कैसे क्वेश्चन है, तो आप क्या करो, अब आपने समझ लिया, पेपर पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको सरसरी नज़र से देख लिया, अब दिमाग लगाओ पूरे स्थिर दिमाग को करके, पूरे डेडिकेशन के साथ, स्थिर दिमाग करके, पूरे डेडिकेशन के साथ पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। पैसेज को पढ़ो, पैसेज को पढ़ा, सपोज डैट आपने पैसेज में पढ़ते पढ़ते यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर आपको एक कीवर्ड दिखा, और उस कीवर्ड में आपको लगा कि ये कीवर्ड इस क्वेश्चन में कहीं पर काम आया था, आपको लगा कि भाई ये कीवर्ड है ना इस क्वेश्चन में कहीं काम आया था, आप तुरंत वो पेज उठाओ, वहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या था, कीवर्ड मिल गया, अब आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दो। आपको वो कीवर्ड मिल गया उस क्वेश्चन के बेस पर, उस कीवर्ड के बेस पर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेज पर लिखे हुए, पेज पर देखना है, पैसेज में देखना है, पेज को देखो, उस कीवर्ड को देखो, और उस क्वेश्चन का सही आंसर दो, फिर आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर आपको एक कीवर्ड मिला और आपको लगा कि ये कीवर्ड है
जो क्वेश्चनों में कहीं पर यूज हुआ था, तुरंत वो पेज उठाओ, देखो कि इस कीवर्ड का कौन से क्वेश्चन में यूज हुआ था। भाई इस कीवर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 में यूज हुआ था। तुरंत आप चौथा क्वेश्चन देखो अच्छे तरीके से, इस कीवर्ड को देखो, ठीक है, चौथे क्वेश्चन को देखो, इस कीवर्ड को देखो, पैसेज के जो रियल आंसर है वहां पर जाओ, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, उसका ऑप्शन देखो और तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। साथ के साथ आपके टोटल 2 क्वेश्चन हो गए, एक पहला हो गया, एक चौथा हो गया। फिर आगे बढ़ो, आपने पूरा पैसेज कर दिया, आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब क्या करना है आपको, फिर आप दोबारा आपने क्या कर लिया, एक बार पैसेज पर क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर आपने पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पैसेज को समझना है बाकी 3 क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। फिर आप दोबारा से पैसेज को उठाओ, दोबारा से पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो। जब हम दूसरी बार पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमने 2 क्वेश्चनों का आंसर दे दिया, अब बचे हुए 3 क्वेश्चन। फिर पैसेज को उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, और बिल्कुल थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ते जाओ। कोई निष्कर्ष का क्वेश्चन है तो आप पैसेज का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करो पढ़ते टाइम ही। उद्देश्य का क्वेश्चन है तो आप पैसेज को पढ़ते टाइम ही उद्देश्य को निकालने की कोशिश करो। सारांश का क्वेश्चन है तो आप पैसेज को पढ़ते टाइम ही सारांश निकालने की कोशिश करो। या फिर कोई लाइन टू लाइन का क्वेश्चन है तो आप पैसेज को पढ़ते टाइम ही लाइन टू लाइन जो भी कीवर्ड मिल रहा है उसको मिलाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप ये जो सेकंड वाला राउंड है वो दोनों तरीके से ले सकते हो, जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ उसके सेकंड बाद या तो एक बार क्वेश्चनों को दोबारा से फिर से नज़र से देख लो, फिर पैसेज को स्टार्ट कर दो पढ़ना। यदि आपको लग रहा है कि मेरे को क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मेरे अच्छे तरीके से याद हो चुके, तो फिर पैसेज दे दो। लेकिन बेस्ट रहेगा आप जब सेकंड राउंड स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप एक बार दोबारा जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन तीनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लो। जो आपके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन तीनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लो विद ऑप्शन, फिर आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर आप क्या करो, पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही शानदार तरीके से 100% आप ये रूल फॉलो करोगी, 5 में से 5 क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीके से बिना किसी डाउट के बिना किसी गलत फहमी के सही करके आओगे, ठीक है। आपको करना क्या है, सावधानी बरतनी है, मैंने जो बताई है वो। एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चनों के कीवर्ड उस खाली पेज पर लिखना है, साथ ही साथ जो डिफिकल्ट ऑप्शन है उनको लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सरसरी नज़र से उस पेज के जो 5 के 5 क्वेश्चन है उनको देखना है, उनके ऑप्शनों को देखना है। फिर आपको पैसेज पढ़ना है, फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ कीवर्ड मिल रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चनों का आंसर मिल रहा है, आप तुरंत उन क्वेश्चनों का आंसर दो, फिर आगे बढ़ो। सपोज डैट आपने एक बार पढ़ने पर आपने 2 क्वेश्चनों को सही कर दिया और आपके पास 3 क्वेश्चन बच गए। अब जो क्वेश्चन बच गए उन तीनों क्वेश्चनों को उठाओ और उन तीनों क्वेश्चनों को पढ़ो विद ऑप्शन, अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद वापस आप किस पर जाओ, पैसेज पर जाओ, ठीक है। और फिर पैसेज को पढ़ने की कोशिश करो क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। यदि क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आया है, पैसेज में क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ऐसा आया है कि इसका निष्कर्ष क्या है, इसका सारांश क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, या कोई लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसेज को पढ़ने की कोशिश करो। कहीं पर उद्देश्य निकलवा रहा है तो आप उस पैसेज को इस तरीके से पढ़ो कि आप उसका उद्देश्य निकाल पाओ, आप पैसेज को इस तरीके से पढ़ो कि आप उसका सारांश निकाल पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 स्टेपों में इस पूरे पूरे 2 राउंडों में इस पूरे पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हमें ध्यान में रखना है। जो पहला स्टेप था ये लिखने का, जो ये लिखने का सिस्टम था ना, खाली पेज पर लिखने का, कीवर्ड लिखने का, इसको सरसरी नज़र से देखने का, इसमें आपको टाइम देना है 1 से 2 मिनट। फिर आप पैसेज को पढ़ोगे तो इसमें आपको टाइम देना है 2 से 3 मिनट, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ने में आपको टाइम देना है 2 से 3 मिनट, और यहाँ पर सपोज डेट आप 2 क्वेश्चन सही कर देते हो। बाकी जो 3 क्वेश्चन पढ़े बचे हुए हैं इनको पढ़ने में, इनके ऑप्शनों को पढ़ने में आपको टाइम देना है 1 मिनट का, और बाकी फिर उस पैसेज को पढ़ने में आपको टाइम देना है 2 मिनट का, ठीक है। 2, 3, 3 और 3, 6 और 2, 8, ठीक है। 8 से 9 मिनट में आपका वो पैसेज बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगा, और वहाँ पर आप पूरे पूरे 5 के 5 क्वेश्चन सही कर देंगे। टाइम का क्या ध्यान रखना है, मैं टाइम का ध्यान बिल्कुल सही ढंग से बता देता हूँ, वहाँ पर टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
बीच में टाइम नहीं देखना है आपको, ये ध्यान में रखना, आपको खुद को सजेस्ट करना है। मैं ये टाइम इस वजह से बता रहा हूँ, आपको खुद को लग जाएगा कि यार मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप थोड़ा फास्ट काम करना, ठीक है। तो पूरा पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको बहुत ही शानदार तरीके से, मैंने खुद ने ये रूल फॉलो किया था, इस वजह से मैं आपको फॉलो करके बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल पेपर में ऐसा ही आता है, ठीक है। और मैं एक अलग से वीडियो बना के एक एग्जाम्पल के साथ उसको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। इसके अलावा आप यदि फर्स्ट पेपर में, अब बचे हुए दिनों में फर्स्ट पेपर में 75% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, मैं रेगुलर फर्स्ट पेपर के दो लाइव चलाता हूँ। क्या दो लाइव चलाता हूँ? एक लाइव होता है मॉर्निंग में 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे, एक लाइव होता है इवनिंग में 10 PM, रात को 10 बजे। ये दोनों लाइव ज्वाइन करो। मॉर्निंग वाले में 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जो दिसंबर 2019 का पेपर चल रहा है, ठीक है, दिसंबर 2019 के पेपर चल रहा है। नाइट में 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जिसमें हमारा मॉडल पेपर 11 चल रहा है। आज मैंने मॉडल पेपर 11 कंप्लीट करवा दिया, बार बार पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उन सभी वीडियोज का प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले वीडियो रहेंगे एक तुक्का मारने का तरीका, कि हम पेपर में तुक्का किस तरीके से मारें, जो क्वेश्चन हमारे को नहीं आ रहे हैं उसमें हम तुक्का किस तरीके से मारें, पेपर को सोल्व करने में हम टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें, पूरे पेपर को हम किस तरीके से करें जिससे हमारे टाइम की समस्या ना आए, ठीक है। इसके अलावा एक कथन और कारण का क्वेश्चन होता है, वहाँ पर शुरू के दो ऑप्शन होते हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है, आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि आर ए की व्याख्या कर रहा है या आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा? तो ये दो तीन वीडियो बचे हुए हैं जो मैं वीडियो बनाऊंगा, और मेरे सारे वीडियो आज से आगे के जितने भी वीडियो बनेंगे वो एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, विद प्लेलिस्ट। तो आप सभी को देखते रहना, और थैंक्स मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एग्जाम तक का मेरा टारगेट है इस वीडियो को 20,000 व्यूज होने चाहिए, एग्जाम तक इस वीडियो में 20,000 व्यूज होने चाहिए। कैसे भी करो, कुछ भी करो, मेरे को इस बात से पता नहीं है। पैसेज में 5 के 5 क्वेश्चन से ही करना है, जो भी 8 से 9 मिनट में, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। थैंक्स देखने के लिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बाय। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, मैंने ऊपर आपको जो अध्ययन बोधता कॉन्फ्रेंस था उसको सोल्व करने का एक तरीका बताया था, उस तरीकों को हम यहाँ पर फॉलो करके देखते हैं। ये हमारे पास एक पैसेज है, ठीक है, ये हमारे पास एक पैसेज है जो सपोज डेट पेपर में आ गया, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यदि आपकी जगह मैं हूँगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको जो ये क्वेश्चन है इनको पढ़ूँगा, और एक रफ खाली पेज में बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट स्पीड से थोड़े समझने लायक तरीके से लिखूँगा, क्वेश्चनों को पढ़ूंगा ऑप्शनों के साथ। शांति निकेतन स्कूल दिन की शुरुआत कैसे करता है? राष्ट्रगान, प्रार्थना, सरस्वती वंदना, पूजा से। दूसरा, उस विषय का नाम बताइए जिसे अधिकतर विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कीवर्ड क्या लिखूंगा, अधिकतर विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो इस दो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसका कीवर्ड लिखूंगा, कौन से सब्जेक्ट को अधिकतर विद्यार्थी पसंद करते हैं, हिंदी, संस्कृत, गुजराती और इंग्लिश। तीसरा क्वेश्चन, दंगों के समय स्कूल को किसने बचाया? कीवर्ड लिखूंगा, दंगों के समय स्कूल को बचाया, स्थानीय मुसलमान, हिंदू, राजनीतिज्ञ और ईसाइयों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत का अध्यापक कौन है? तो मैं लिख लूँगा संस्कृत का अध्यापक, क्वेश्चन नंबर 4 संस्कृत का अध्यापक, ये लिख लूँगा संस्कृत का अध्यापक, क्योंकि मेरे को पता है कि संस्कृत का अध्यापक कौन है, ये क्वेश्चन था, हमें कीवर्ड निकालना है संस्कृत का अध्यापक। ये एक सेकंड में लिख लूँगा मैं खाली पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 डाल के, और उसमें इन चारों का नाम लिख दूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा लिख दूंगा, जैसे रणछोड़ा, मनीषा, हुसैना, हुसैना खातून, ठीक है, यहाँ पर हुसैना मंसूरी, हुसैना खातून दोनों लिखूँगा, बाकी ऊपर रणछोड़ भाई, रणछोड़ी लिख दूंगा मैं, एक साइड मनीषा लिख दूंगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन लिखूंगा, सांप्रदायिक दंगों के बावजूद आशा की किरण क्या है? हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते, तो ठीक है पहले लिख दूंगा हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। खाली पेज पर दूसरा ऑप्शन लिखूंगा हिंदू मुसलमान, इसके लिए मैं वहाँ पर नीचे इस तरीके का कोमा नहीं बनाते, हम इस तरीके का कोमा का यूज करते हैं, ये कोमा लिख के और लिख दूंगा रहते हैं, ठीक है, ऊपर हो गया नहीं रहते हैं, इस तरीके से कीवर्ड में लिखूंगा। इसके अलावा
ऑप्शन सी में लिखूंगा केवल हिंदू, ऑप्शन डी में लिखूंगा केवल मुसलमान। इस तरीके से उसके बाद छठा क्वेश्चन पढ़ूंगा, निम्नलिखित में से किसे को हम इस पैरा का सबसे श्रेष्ठ शीर्षक माना जा सकता है। यहाँ पर शीर्षक माना जाना है और इन चारों को मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान से लिखूंगा। क्वेश्चन छः का कीवर्ड क्या लिखूंगा, शीर्षक। पहला सांप्रदायिक सौहार्द्र सजग उदाहरण, दूसरा सांप्रदायिक के नीचे दो कोमा लगा दूंगा इस तरीके के, ठीक है, और दंगे एवं सौहार्द्र लिख दूंगा, फिर सांप्रदायिक के नीचे कोमा लगा दूंगा, फिर सौहार्द्र संस्कृत भाषा का योगदान लिख दूंगा, सौहार्द्र संस्कृत भाषा का योगदान लिख दूंगा, और लास्ट चौथा ऑप्शन विचार विभिन्नता लिख दूंगा। और ये सारा का सारा मैंने समझाते हुए 2 मिनट में कंप्लीट कर दिया है, तो ये सारी चीज़ मैं वहाँ पर बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, समथिंग 1 से 2 मिनट में ये सारा का सारा काम कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको समझते हुए पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैंने सारे के सारे क्वेश्चनों का कीवर्ड समझ लिया था और वो पेज मैंने अपने हाथ में ले लिया, फिर मैंने पैसेज को पढ़ना स्टार्ट किया दिमाग को स्थिर करके अच्छे तरीके से, ठीक है। हर रोज़ शांति निकेतन स्कूल की दिनचर्या सरस्वती वंदना से साथ के साथ शुरू होती है। तो हमने जब क्वेश्चन में पढ़ा था तो एक जगह क्वेश्चन में आया था कि स्कूल की शुरुआत किससे होती है, ये ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर मैं तुरंत क्या देखूँगा, वो जो खाली पेज था मेरा जिसमें मैंने वो लिखे थे क्वेश्चन के कीवर्ड और ऑप्शन, उसको उठाऊँगा। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ये पहला क्वेश्चन था कि शांति निकेतन स्कूल की दिन की शुरुआत किससे होती है, और वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, राष्ट्रगान से, प्रार्थना से, सरस्वती वंदना से और पूजा से। ये मेरे को पता चल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन देखने से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो ना, यहाँ पर शांति निकेतन स्कूल की दिन की शुरुआत कैसे हुई, राष्ट्रगान से, प्रार्थना से, सरस्वती वंदना से और पूजा से, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सरस्वती वंदना। इस क्वेश्चन को मैं सही करके फिर आगे बढ़ूँगा। अब मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट सही हो चुका है, अब आगे बढ़ूँगा। अब देखो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ तक जो पहली लाइन थी वहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक लाइन में 2 क्वेश्चन नहीं बनते, तो आपको जो शुरू वाली लाइन है वो नहीं पढ़नी है, दोबारा पढ़ोगे तो वो लाइन नहीं पढ़नी है, आगे पढ़ना है। जब स्कूल में चित्रकारी की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। कई छात्रों का पसंदीदा विषय संस्कृत है। तो यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन बना था कि कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कई छात्रों का पसंदीदा विषय संस्कृत है। अब मेरे को थोड़ा सा शक लगा कि ये क्वेश्चन में कीवर्ड पढ़ा था मैंने, तुरंत ऑप्शन देखूंगा। पहले मैं क्या देखूंगा, उस खाली पेज को देखूंगा, वहाँ से मेरा कन्फर्म हो जाएगा कि ये दूसरा क्वेश्चन था। फिर मैं क्या करूंगा, रियल में क्वेश्चन पर जाऊंगा, ये रियल में क्वेश्चन पर आ गया, और यहाँ पर है उस विषय का नाम बताइए जिसे अधिकतर विद्यार्थी पसंद करते हैं, यहाँ पर संस्कृत है। फिर मैं ऊपर लाइन पर जाऊंगा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संस्कृत लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ, कई छात्रों का पसंदीदा विषय संस्कृत है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन 2 सही कर दूंगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को मैं बिल्कुल 100% सही करके फिर आगे बढ़ूंगा, मेरे यहाँ तक क्वेश्चन 3 सही हो गए। उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा, कोई विशेष बात नहीं है सिवा इसके कि हिंदुओं द्वारा चलाए जा रहे इस स्कूल के कोई 1200 विद्यार्थी मुसलमान हैं। जब 1983 में रणदौड़बाई, तो यहाँ पर एक रणदौड़बाई कीरी शब्द का प्रयोग हुआ था, किसका, रणदौड़बाई कीरी। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, रणदौड़बाई कीरी ने गुजरात में अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल जुहापुरा इलाके में शांति निकेतन शुरू किया था। मैं उस खाली पेज में देखूँगा कि रणछोड़बाई शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया था, तो वहाँ पर हुआ था रणछोड़ शब्द का प्रयोग। वहाँ जब मैं उस खाली पेज में जो कीवर्ड लिखा हुआ है वहाँ से देखूँगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ था संस्कृत के अध्यापक कौन थे, तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि रणछोड़बाई संस्कृत के अध्यापक थे, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1983 में रणछोड़गिरी ने गुजरात में अहमदाबाद के मुस्लिम बहुल जुहापुरा इलाके में शांति निकेतन शुरू किया था, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संस्कृत के टीचर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। अब आगे बढ़ूंगा, तब उसमें केवल 20% छात्र ही मुसलमान थे, लेकिन जुहापुरा और करीब के जीवराज पार्क बेजलपुर के हिंदुओं के बीच दंगे होने के बाद वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो गया। आज स्कूल के सारे छात्र मुसलमान हैं और यह धार्मिक स्वाद्रय की अनूठी मिसाल बन गया है।
सन 2002 में दंगों के से कुछ नाराज़ मुसलमान इसे बंद करवाना चाहते थे, लेकिन छात्रों के अभिभावक उनके खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए। शांति निकेतन के प्रधानाचार्य कहते हैं कि हमने स्थानीय मुसलमानों को प्यार व स्नेह के चलते स्कूल को कभी भी इस इलाके के बाहर जाने नहीं दिया। हकीकत तो यह है कि वे इस शिक्षा के उस स्तर को सहारते हैं। हमने तय किया कि इस स्कूल की छवि इतनी अच्छी है कि सांप्रदायिक दंगों में अभियुक्त कुछ स्थानीय दबंग मुसलमान भी दंगों के दौरान उसे बचाने में जुट गए थे। शांति निकेतन के विद्यार्थियों के अभिभावकों का कहना है कि स्तरीय शिक्षा के मामले में यह स्कूल इलाके में सबसे बढ़िया है। शांति निकेतन के बहुत सारे बच्चों ने स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा अर्जित की। मज़ेदार बात यह है कि 40 संसदीय सदस्य इस शिक्षक दल में सबसे में एक केवल एक ही मुसलमान है, हुसैना मंजूरी, जो संस्कृत पढ़ाती हैं। क्वेश्चन था कि सब संस्कृत का अध्यापक कौन है, यहाँ से मेरे को पता चल गया हुसैना मंजूरी जो संस्कृत पढ़ाती है। अब मेरे को कंफर्म करना है कि ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या। मैं तुरंत उस खाली पेज को उठाऊँगा जहाँ पर मैंने क्वेश्चनों के कीवर्ड लिखे हुए, वहाँ से मेरे को कन्फर्म हो गया कि बेटा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये चौथा है। तुरंत मैं चौथे नंबर पर जाऊँगा, संस्कृत का अध्यापक कौन है, हुसैना मंजूरी है, हुसैना खातून है। वापस मैं ऊपर जाऊँगा पैसेज पर और यहाँ पर मैंने देखूँगा यहाँ पर, क्योंकि लोकेशन हमें थोड़ी थोड़ी ध्यान में रह जाती है कि कौन सी बात कहाँ पर है। ये रही हुसैना मंसूरी जो संस्कृत पढ़ाती हैं, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, हुसैना मंसूरी बिल्कुल सही कर देंगे। तो इस तरीके से हम पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे क्या हो गए, टोटल 3 क्वेश्चन सही हो गए, टोटल 3 क्वेश्चन हो गए और एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करना है। अब 2 क्वेश्चन कौन कौन से बचे हुए हैं, एक तो तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, एक पाँचवा क्वेश्चन बचा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, तीसरे क्वेश्चन को और पांचवे क्वेश्चन को दोनों को पढ़ूंगा, अच्छे तरीके से पढ़ लिया। फिर क्या करूंगा, दोनों क्वेश्चनों को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, फिर स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से वापस पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करूंगा और फिर धीरे धीरे पढ़ता जाऊंगा और जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका भी मैं आसानी से आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैसेज सोल्व करना है। थैंक्स मेरे प्यारे दोस्तों, देखने के लिए बाय।